दोस्तों सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन गाना चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से या कहूं तो इस सीरीज के माध्यम से, दुखों के अंत एक नाम दिया है मैंने सीरीज को, इसके माध्यम से आज हम बात करेंगे अटैचमेंट के बारे में। और ये जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के बारे में जिन लोगों को बहुत पेन के साथ में अपनी लाइफ को गुजारना पड़ रहा है और किसी न किसी दर्द से, किसी न किसी अटैचमेंट के साथ में वो जुड़े हुए हैं। और जैसे कि हालांकि हम सब अभी जानते हैं रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं कोविड की वजह से या दूसरी किसी वजह से, जिन्होंने अपने लोगों को जल्दी अभी पिछले कुछ दिनों में खोया है। आप पूरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में किसी भी वीडियो के नीचे देख सकते हैं, हर किसी ने कोई खोया है और वो बहुत परेशान है। तो आज मैं दोस्तों उस बात करूँगा, वो जो पेन है, वो जो परेशानी है, वो किस लिए है और क्यों है, और उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उससे कैसे उभर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यही मेन बात और मेन टॉपिक रहेगी। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की और भी जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक झूठी आशा नहीं देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रूथ, चाहे वो बिटर हो, चाहे वो खट्टी हो या कड़वी हो, लेकिन उसी के हिसाब से मैं देना चाहता हूँ ताकि आपको आगे के लिए आप मुझे गाली ना दें। बहुत सारे लोग आपको एक टेम्परेली आशा देते हैं जिससे कि आप इंस्टेंटली खुश हो जाते हो, लेकिन आगे चल के आपको फिर वही निराशा हाथ लगती है कि उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं आपको एक प्योर इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहा हूँ और आपको एक प्रूफ करके बताऊँगा ये जो आपके सारे की। अब आप सोच रहे होगे कि मैं बीच में से कहाँ से टपक गया, तो आप बेफिक्र रहिए, वो पूरी वीडियो आपको मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो रिसेंटली बहुत रिक्वेस्ट आई कि हम सर अटैचमेंट के ऊपर कुछ सुनना चाहते हैं। तो शायद वो रिसेंटली जो मेंबर हैं हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं या हमारी फैमिली से जुड़े हैं, तो शायद वो हैं। वो वीडियो पुराना है, बहुत पहले मैंने बनाया था, उसमें आप मुझे देख सकते हो। वहाँ सब मैं थोड़ा पतला था, अभी मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, तो आपको ऐसा नहीं सोचना, वो भी मैं ही हूँ, मैं भी, ये भी मैं ही हूँ। लेकिन इसके बीच में मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग पहले देख चुके हैं उस वीडियो को, चाहे तो आप उसको स्किप कर सकते हो, दूसरी वीडियो लेटेस्ट देख सकते हो। अगर आपका अटैचमेंट में कोई दिक्कत है आज के समय में कैसे भी करके, तो वो वीडियो आप कंटिन्यू देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है। अगर उसमें सारे पॉइंट्स को जो मैंने बताए हैं उनको फॉलो कर लोगे तो चीज़ें आपकी ईजी हो जाएंगी। इसके बीच में थोड़ी अपने हित की बात कर लेता हूँ। देखिए हमारी दो बुक्स हैं, एक है प्योर अवेकन मतलब प्योर स्पिरिचुअलिटी और अवेकन सोल करके जो हमारी बुक है, तो दोनों प्योर अवेकनिंग के लिए ही हैं, आप ऐसा समझ लीजिएगा। तो अगर आप चाहो तो उनको आप खरीद सकते हो। मैं बीच बीच में आपको क्यों परेशान करता हूँ बुक के लिए, चाहता हूँ कि हम सबको एक अवेकनिंग मिल जाए, जो हमारा पर्पज था हम उसको अचीव कर लें, बस इतनी सी बात है। मजे की बात क्या है इस बुक के, जो खास बात आज मैं बताने वाला हूँ कि ये बुक अब आपको फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। अगर आप इस बुक को फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हो, कैश ऑन डिलीवरी या आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप फ्लिपकार्ट से भी जाके इसको खरीद सकते हो। सिर्फ बुक का नाम ऊपर आपको सर्च मारना है, बुक आ जाएगी। जैसे फ्लिपकार्ट आप शॉपिंग करते हो इस हिसाब से खरीद सकते हो और बुक आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगी। एक चीज़ तो ये, अगर आपको फ्लिपकार्ट भी पसंद ना आए तो ये बुक अब हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, www.divinance.com पे, जो हमारी एक PLR वाली जो वेबसाइट है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको खरीद सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं खरीदना चाहते हो तो आप सिंपली, सबसे ज़्यादा सिंपल जो है वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वो क्या है 7895591900 पे आप जाओगे तो आप सिंपल सा एक हेलो करो, हेलो करके पूछो मुझे आपकी बुक चाहिए, वो आपसे एड्रेस पूछेंगे पिन कोड के साथ में, एक्टिव नंबर भी उसमें दे दो, अपना नाम भी लिख के दो ताकि आपके यहाँ पे पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में सिर्फ आपको पेमेंट करनी है और चीज़ें सिंपली आपके, हम उसको पूरा रजिस्टर करके आपके घर पर पार्सल को भेज देंगे, इतना सा करना है। और इसके बाद में आप क्यों खरीदना चाहते हो, ये इस बुक से क्या होगा, ये अब मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्या हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, कैसा आपके हेल्प करता हूँ, उस बुक में वही निचोड़ है और बहुत अच्छे लेवल पे है, तो वो आपकी बहुत मदद करने वाली है, इतना सिंपली मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा और आपका समय वेस्ट ना करते हुए या ज़्यादा और ना फंसाते हुए, इंतजार ना कराते हुए सीधा चलते हैं उस वीडियो के बारे में और इन्जॉय करो इस वीडियो को, अच्छी वीडियो है। अगर अटैचमेंट से आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपकी मदद करेगी। सारे दुख हैं वो इस वजह से हैं, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ में और शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। दोस्तों अब जैसे कि आप सारे लोग बोलते हैं कि मेरे, मान लीजिए किसी भी रिलेशनशिप में मेरे एक बच्चे की डेथ हो गई है, मेरे एक हस्बैंड की डेथ हो गई है, या किसी न किसी रूप में किसी की डेथ हो गई है जिसकी वजह से आपका जीना या आगे की जो क्रिया करना है वो रुक गई है, आपका पूरा जीवन रुक गया है।
अब आपका सवाल आता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो कुछ मकसद ही नहीं है, मेरे तो इतने प्यारे लोग थे, ये थे वे थे, इस तरह से आप सारी बातें करते हैं। और मुझे तो किसी भी तरह से उनसे एक बार मिलना है, एक बार ज़रूर मिलना है। वो कैसे मिलना है वो आप बताओ, आपके सिर्फ इतना से बात रहती है, लेकिन आपको ये पूरे प्रोसेस जानने की ज़रूरत है। पूरा प्रोसेस जानने में हालांकि बहुत सारे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और मोस्टली आप लोगों को पता भी नहीं है। आपके अवेकनिंग कह लो या ये सारी जो चेतना का या जो स्पिरिचुअलिटी का मार्गदर्शन है वो आपके इन इंसिडेंट की वजह से हो रहा है कि हाँ अभी किसी की डेथ हुई है तो क्यों हुई है, तो अभी आप इफ़ और क्यों के पीछे पड़ गए हो कि भाई मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। और ये मैं कहूँगा ये अच्छी बात है, इससे आपको आगे की इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, एक प्रोसेस के बारे में पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। सो दोस्तों, अब जैसे कि मैं जो भी लोग मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट होते हैं व्हाट्सअप के थ्रू, जिनसे मैं सेशन पर बात करता हूँ अपॉइंटमेंट के थ्रू, तो उन लोगों को पता है कि आज मैं क्या बोलने वाला हूँ। लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता मुझसे बात करने का, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जिन किस किस से मैं बात करूँगा। अब जिससे मैं बात कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिससे नहीं हो पा रही है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि देखिए आप क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपका भाई हूँ और मेरी एक सडन से डेथ हो जाती है, अब आपके लिए बहुत पीड़ादायक है, लेकिन आप मुझे क्या किस हिसाब से जानते हो, इस शरीर के माध्यम से, कि मेरा भाई ऐसा दिखता था उसकी डेथ हो गई है। अब वो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से कि यंग एज में डेथ हो गई है या दूसरी किसी वजह से डेथ हो गई है, वो आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से सेट कर लेते हो। मैं अभी उसको एक अलग विषय है कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि छोटी आयु में क्यों मृत्यु होती है, सब लोगों को भी मैं बताता हूँ, लेकिन इसमें हम बात करें अटैचमेंट के बारे में। तो अब मान लीजिए आपका अटैचमेंट था सिर्फ इस बॉडी से, और हम क्या समझते हैं कि ये बॉडी अब हमें नहीं मिलने वाली। अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, हम उसका क्रियाकलाप कर देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं, उसके बाद में हमारा जो माइंड है, जो हमारा चेतन माइंड है, उसको ये पता लग जाता है कि अब ये बॉडी हमारे पास में नहीं आने वाली। और हम जो मान लीजिए मैं आपके साथ 26 साल से हूँ, मैं आपका सिबलिंग हूँ, तो 26 साल से आपके साथ में अटैच हूँ, तो आपकी जो अटैचमेंट इतनी गहरी बन जाएगी, बींग एक सिस्टर, बींग या कोई भी दूसरा रिलेशन का, मदर का, फादर का, या एक छोटे भाई का, बड़े भाई का, कि आपको पचा पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपके कोई एक वस्तु है, अगर आप इसको 4 महीने अपने साथ रखोगे तो अगर यही आपसे कोई छीन ले या इसको चुरा ले या ये टूट जाए तो आपको कहीं ना कहीं पेन हो जाएगा, लेकिन वो एक ऐसा पेन रहेगा कि जिसको आप बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि उसमें हमारी साइकोलॉजी ऐसा होता है कि ठीक है ये बाउल है या इसमें जो चीज़ें वो टूट गई या ख़राब हो गई, फेंक दो, हम दूसरा परचेस कर लेंगे। लेकिन इसमें जो मेन बात क्या है, ये जो बॉडी है, आप इस बॉडी को नहीं ला सकते, क्योंकि आपको पता है ये बॉडी थी जिससे मैं लगाव था, जिससे मेरा मोह था, वो उसका हमने अंतिम संस्कार कर दिया है, उसको नष्ट कर दिया है। अब इस चीज में यहाँ पे बहुत गहनता से समझने की जरूरत है कि इससे हम ओवरकम कैसे करेंगे। आप जब मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि आप उनकी सोल से प्यार करते हैं उनकी बॉडी से प्यार करते हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोल से प्यार करते हैं। अब फिर मेरा उनसे जवाब रहता है, अगर आप उनकी सोल से मतलब उनकी आत्मा से प्यार करते हैं तो आपको फिर कष्ट क्यों है? आत्मा तो सब हमने बुक में हर शास्त्रों में पढ़ा है कि आत्मा अमर है, उसका कुछ नहीं होता, फिर आपको कष्ट क्यों है? तो खट से वो चेंज हो जाते हैं, अपने सवाल को ही मैनिपुलेट करते हैं, नहीं नहीं हम तो अपने हस्बैंड से प्यार करते थे, अपने भाई से प्यार करते थे जो ऐसे दिखते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो अटैचमेंट है उस बॉडी से अटैचमेंट है, उनकी सोल से आपका लेना देना कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ जो मैं एक पूरा प्रोसेस चला रहा हूँ, एक इस चैनल के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है सिर्फ और सिर्फ ये कि आपकी अवेकनिंग कैसे हो जाए। जैसे ही आपकी अवेकनिंग हो जाएगी तो आपको डिफरेंस पैदा हो जाएगा, जैसे इस सीरीज़ की मैंने पहली वीडियो में बताया था कि माइंड का क्या काम है, सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम है, चेतन माइंड का क्या काम है, हमारी बॉडी का क्या काम है, स्पिरिट का क्या काम है। बहुत सारे लोगों ने, जिसने भी वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ऊपर देखो मैंने आई बटन में उसको दे दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके अटैचमेंट से थोड़ी छुट्टी हो सके। और मान लीजिए ये सारी आपकी मेमोरी है, इस मेमोरी में आपकी सारी चीज़ें सम्मिलित हैं या इसमें सब संचालित हो रखी हैं या इसमें स्टोर हो रखी हैं। इस मेमोरी को मैं ख़त्म कर दूँ उसके बाद में आपका पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको दूसरे हिसाब से हम समझते हैं। मान लीजिए आपको इस बॉडी से मोह था, ये आपके भाई की बॉडी है, इस बॉडी के नाम से आपको इस बंदे को जानते थे, सुभाष को इस बॉडी के नाम से जानते थे, और ये बॉडी ख़त्म होगी। मुझे आप एक बात बताइए, जब आप मेरी एज से पहले या मेरे जन्म से पहले
आपने ये बॉडी नहीं देखी, या मेरी तरह दूसरे लोगों की जो मृत्यु होती है आपके आसपास में, आपके लिए वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप उनसे डेली मिलना जुलना नहीं रहते, आपका उनसे ब्लड का रिलेशन नहीं है, आपके वो घर नहीं आते, या आपका उनसे कोई भी रिलेशन नहीं है, तो आपके लिए मैटर नहीं करता। सेम वे जब मेरा जन्म हुआ था, उस जन्म से पहले मेरे पास में शरीर भी नहीं था। ये शरीर हुआ क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने प्रोसेस किया, उसके हिसाब से हमारी जो स्पिरिट थी उसने अपना स्थान ग्रहण करा, उसके बाद में सारी चीज़ें बढ़नी शुरू हुई। उसके बाद में जैसे मेरा जन्म हुआ, मैं इस लोक में आया, या कह लो इस पृथ्वी पर आया, तो आपका हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ, इससे हमारा अटैचमेंट बढ़ गया। लेकिन जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास में खुद का शरीर भी नहीं था, वो शरीर भी मेरे पेरेंट्स ने दिया एक प्रोसेस के तहत में, आप समझ रहे हो ना। अब वो जब शरीर मुझे मिला, अब उसी शरीर को आपने क्या सोच लिया, हाँ यही शरीर सब कुछ है, इसमें जो स्पिरिट है उसका कोई खेल नहीं है, ये स्पिरिट ही शरीर से है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, इस स्पिरिट से ये शरीर है, ये दोनों चीज़ों में आपको जिस दिन आपने डिफरेंस कर लिया, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब वो जो स्मृतियाँ ये बनी हुई हैं, ये जो सारी स्मृतियाँ बनी हुई हैं, इन स्मृतियों के कारण ही आपको सारी व्याकुलता होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आप कुछ करने की कोशिश करते हो लेकिन ये सारी स्मृतियाँ रिकॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, आप कहीं बाज़ार जा रहे हो, बाज़ार जाते समय आपको याद आ गया, पहले मैं अपने भाई के साथ में जाती थी, हस्बैंड के साथ में जाते थे, ये अपने वाइफ के साथ में जाते थे, जिस हिसाब से आपकी स्मृतियाँ बनी हुई हैं उनके साथ में, जिसके भी साथ में आप रिलेशन में थे, वो सारी चीज़ें आपको परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन अब वही स्मृति अगर मैं आपकी ख़त्म कर दूं, अब मैं आपको एक फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। मान लीजिए एक कपल हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, और उसमें से किसी एक की मृत्यु हो गई है। अब मान लीजिए वो उनके साथ में 10 साल, 5 साल, 3 साल या जितने भी टाइम तक वो रहे थे, उनके साथ में रहे, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई है। अब उसके बीच में उन्होंने बहुत सारी स्मृतियाँ आन करी, उसमें हो सकता है उन्होंने बच्चे पैदा करे, वो एक अच्छा मोमेंट स्पेंड करा, वो कहीं ट्रैवल के लिए गए, शादी हुई, सारी रस्में हुए, रिचुअल्स सारी चीज़ें हुई। अब इसके बाद में एक पूरा एक घड़ा बन गया हमारी स्मृतियों का। अब वो स्मृतियाँ हमें बार बार याद आएंगी, क्योंकि वो हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारा जो चेतन मन है, वो ये जान चुका है, आपको बार बार डायरेक्ट कर रहा है, आपको निर्देश दे रहा है कि ये जो बॉडी जिससे आप प्यार करते थे, जिससे आपका अटैचमेंट था, वो चले गए, वो नहीं आने वाला, कुछ भी कर लो नहीं आने वाला। वही भाव आपके अंदर से बार बार विकसित होते हैं, उत्पन्न होते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो जीवन खत्म हो गया। लेकिन जैसे मैंने पहले दिया, आप इस बात पर गौर दीजिए, अगर आप उनकी स्पिरिट को जान लेते, अब स्पिरिट को कैसे जानेंगे, देखिए आप उनसे 20 साल की आयु में मिले, 20 साल से पहले वो आपके साथ में नहीं थे, तो आपके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। अब आपकी शादी उनके साथ में हो गई, या आपका रिलेशन उनके साथ में बन गया, तो आपको क्या लग रहा है कि वही मेरे सब कुछ है। आप नीचे कमेंट को स्क्रॉल करके देख लीजिए, सारे लोग ये लिखते हैं कि आई मिस माई हस्बैंड, आई मिस माई वाइफ, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे हो गया, प्रोसेस कैसा होता है, वो मैं दूसरी वीडियो में बता रहा हूँ कि मृत्यु कैसे होती है, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन इस वीडियो में अटैचमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को आप समझ भी जाते हो, लेकिन 5 मिनट के बाद में आप फिर बोलते हो ऐसे थोड़ी, ये तो गलत बोल रहा, क्योंकि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो आपको झूठी आशा देने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको ट्रूथ से अवेयर कर रहा हूँ कि हाँ ये यही ट्रूथ है जो आपको जानना पड़ेगा। अगर नहीं है, अगर आप इस बात को नहीं मानते, तो आप जितना परेशान हो सकते हैं, आपका चेतन माइंड भी जानता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जानता है कि आप स्पिरिट को तो पा सकते हो, लेकिन ये जो शरीर है वो शरीर को नहीं पा सकते। अब आप बात करते हो कि मेरे हस्बैंड से बात करा दीजिए, अब आप मुझे बताइए, जिस हस्बैंड को आप जानते थे सिर्फ इस बॉडी की वजह से, कि मेरे हस्बैंड इस हिसाब से दिखते थे या मेरा भाई इस तरह से दिखता था, उनसे मुझे बात करनी है। अब आप ही ने उनके शरीर को नष्ट किया है, आप ही ने उनका अंतिम संस्कार किया है, आपसे मतलब आपके घर वालों ने या आपके समाज वालों ने। अब आप उसी शरीर के पीछे भाग रहे हो कि उसी शरीर से मेरी बात करा दीजिए, अब बताइए ये थोड़ी ना हो सकता है। या तो आप दूसरा रिश्ता बनाइए, या आप दूसरे प्रोसेस पर जाइए, तब तो आप हो सकता है कि हाँ उनके उनके साथ में जो मोह माया था या जो लगाव था, वो इस शरीर के साथ में आप उनको बस बुलाने के लिए दूसरे के साथ में अटैच हो गए। वही काम जो पहले आपने किया था, पहले आपके साथ में पेरेंट्स का अटैचमेंट था, पेरेंट्स से शिफ्ट होकर आपके हस्बैंड पाया, हस्बैंड से शिफ्ट होकर कुछ दिनों बाद बच्चों पर आता है, बच्चों से शिफ्ट होकर अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग आपके साथ में होती तो कहीं अलग जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको फोकस दिलाने की बात कर रहा हूँ कि आपका फोकस होना चाहिए उस स्पिरिट पे, कि आपके साथ में जो स्पिरिट रही थी पिछले 10 साल 5 साल 3 साल 2 महीने जितने भी जो भी चीज़ें रही थी, उस स्पिरिट को आपको पाने की कोशिश करनी चाहिए,
उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, उसको धन्यवाद देने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे ही आप वो कर लोगे, आपके सारे पेन अटैचमेंट खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वो शॉर्टकट नहीं है, वो उसमें हार्ड है, उसमें हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, टाइम देना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी माना पड़ेगा। हम जो एक टेंपल को लेके स्पिरिचुअलिटी का भ्रम बना रहे हैं कि अगर हम टेंपल जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, या इसी तरह जो दूसरे धार्मिक स्थान रहते हैं वहाँ पर जाते हैं, वही स्पिरिचुअलिटी है। ये एक पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी पूरा यूनिवर्स की तरह है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। आप बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड ने कभी बुरा नहीं करा, मेरे भाई ने कभी बुरा नहीं करा, मेरे पापा तो इतने अच्छे थे, सब चीज़ अच्छा थे, कोई मना नहीं कर रहा, इसमें किसी को डाउट शंका नहीं है। अगर वो अच्छे थे या बुरे थे, उसके पूरे कार्मिक अकाउंट हमारे परमात्मा देखेंगे, उसके हिसाब से उनके आगे की यात्रा सेट की जाएगी। लेकिन अभी आप उनको जो जज कर रहे हो वो गलत है, कि वो अच्छे थे या बुरे थे, वो बात की बात है। लेकिन अभी आप उनको अच्छा क्यों बता रहे हो? क्योंकि जब वो यहाँ थे आपके साथ में, कभी आपने उनको अच्छा नहीं समझा, लेकिन आज वो आपसे दूर चले गए, तो आपको उनकी सारी अच्छाई और बुराई नज़र आ रही है। अब उसमें भी आपको क्या अच्छाई नज़र आ रही है? उनकी बॉडी की। हाँ, वो मेरे साथ में ऐसे दिखते थे, मुझे तो बॉडी चाहिए, जिसको आप खुद नष्ट कर चुके। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली नहीं है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करी जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका अटैचमेंट जो बॉडी पे था वो शिफ्ट होकर स्पिरिट पे जाना चाहिए। कि हाँ, मेरे जो एक पार्टिकुलर पर्सन थे जिसके साथ में मैं अटैचमेंट में थे, आप उस अटैचमेंट को स्पिरिट के साथ में कन्वर्ट कीजिए, आपके सारे पेन खत्म हो जाएंगे। तब आपको ये भावना ही नहीं आएगी आपके चेतन मन को या आपको कि हाँ मेरा कोई था जो चला गया। आपको ये भावना आएगी, हाँ कोई मेरे साथ में रहते थे इस बॉडी की फॉर्म में, बस वो बॉडी नहीं है, वो स्पिरिट एज इट इज सेम आज भी मेरे साथ है, या जहाँ पर भी है वो है, उसका कुछ नहीं हुआ। और यही जिस दिन आप इसी बिलीव को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दोगे, सारे पेन खत्म हो जाएंगे। बस आप जब भी उनको याद करोगे, एक स्माइल के साथ में याद करोगे और थैंकफुल वाली भावनाओं के साथ में याद करोगे। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है? हमें तो बस वो बॉडी चाहिए, हमें तो। अब मैं बोलता हूँ कि जिसको भी मैं ऐसा प्रूव करके बताता हूँ, देखिए ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, नहीं सर आप तो गलत बता रहे हो, अगर आपके साथ में ऐसा होता तो आपको पता चलता, ऐसा होता था तब ऐसा होता कि एक स्त्री का एक हस्बैंड के बिना ऐसा होता है, या एक हस्बैंड जिसकी अभी 5 साल पहले शादी हुई थी, अभी उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवन कैसे चलेगा? वही तो बात है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो अटैचमेंट है वो बहुत कम टाइम के लिए है, और 5 साल के बाद में उसको भी भुला दोगे आप, इतना भी मुझे पता है, या दूसरे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, उसको शिफ्ट कर दोगे, फिर आपके लिए वो मैटर नहीं करते। हाँ, कोई थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हें हम बहुत प्यार करते थे, मेरी बातें आपको चुभेंगी, लेकिन मैं ट्रूथ बोल रहा हूँ। लेकिन जिस दिन आप उनकी स्पिरिट से, उनकी सोल से जुड़ जाओगे, ना आप जिंदगी में उनको भुला सकते हो, और आपका वही संबंध मोक्ष के रास्ते तक जा सकता है। लेकिन आपको नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें इंस्टेंटली प्लेजर चाहिए कि हाँ कैसे भी करके मुझे मेरे उन हस्बैंड से बात करनी है जिनको मैंने जला दिया, उनका मैंने इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया, मुझे तो वही चाहिए। मेरे पास में बिलीव में ऐसे से व्हाट्सअप आते हैं कि सर कुछ भी करो, वो बार बार वही सेम रिपीटेड टेस्ट करते रहेंगे, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है, एक बार बात करा दो बस, प्लीज एक बार बात कर, क्या हलवा है? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें ऐसे प्रोसेस नहीं होती हैं। अगर आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी चलती होती तो यहाँ पे सारे ही लोग रहते, कोई किसी को नहीं जाने देते। आई होप कि आज की इस वीडियो में जो मैंने बातें बोली होंगी किसी को बुरी ना लगे, अगर किसी को बुरी लगती हैं तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं बस आपके अच्छाई के लिए मैं ये करना चाहता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके समझ जाएं ये चीज़ें कैसे होती हैं, और जितनी जल्दी आप इसको समझ जाएंगे आपका पेन ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी क्वेरी जो पूरे टाइमलाइन पे, एक मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस पे भेज सकते हैं। प्रॉपर सही क्वेरी होगी तो मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूँगा, और अगर बस यही होगी कि मुझे उनसे बात करनी है, मेरे हस्बैंड से बात करा दो, ये करा दो, वो करा दो, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला, क्योंकि मैं टायर्ड हो चुका हूँ समझा के। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, जो आपकी बात करा रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअल गुरु आपके यूट्यूब पे हैं और वो चार्ज करते हैं जैसा करते हैं, और आपको उनसे प्लेजर मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर उनके पास में जाइए, उनसे बात कीजिए, और जैसे भी आपको एक संतावना मिलती है खुद में कि हाँ आई एम हैप्पी नाउ, तो प्लीज़ गो फॉर दैट। लेकिन मेरे पास प्लीज़ इस बात से मत आइए कि मुझे उनकी स्पिरिट से बात करा दो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मैं भगवान के कोई नियम तोड़ने वाला हूँ,
और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक बात है आपका ज्ञानवर्धन कर सकता हूँ कि ये चीज़ें ऐसे प्रोसेस होती हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर सकते हैं। यही मेरा बस एकमात्र संदेश है या उद्देश्य है इस चैनल का कि सारे लोग अवेकनिंग हो जाए, सारे लोगों की, और हम सब स्पिरिचुअलिटी में आ जाएँ ताकि सारे पेनों से हम उभर सकें और एक अच्छा जीवन, अपनी जो हमारी जो स्पिरिट है उसके लिए हम अच्छा जीवन या अच्छे कार्मिक अकाउंट अर्न कर सकें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।